जब सतीश पूनिया अस्पताल पहुंचे, किरोड़ीलाल मीणा की कुशलक्षेम जानने के लिए, उनका हालचाल जानने के लिए, क्या उनकी हालत अब कैसी है। और लगातार मेरे सहयोगी विष्णु इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, एक एक अपडेट दर्शकों तक साझा कर रहे हैं। विष्णु, सबसे पहले अपडेट आप बताइए, बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा सुबह 11 बजे। बिल्कुल ये ठीक है, क्योंकि सांसद किरोड़ीलाल मीणा के दुर्व्यवहार किया गया और बीमार हो गए, और बीमारी के बाद वहाँ अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। तमाम बीजेपी के नेता वहाँ मिलने गए थे और आज यहाँ बीजेपी की ओर से प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। 11 बजे यहाँ पर बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया जाएगा। तमाम जो शहर में रहने वाले सांसद, पूर्व विधायक, इसके अलावा जो भी मंडल स्तर के कार्यकर्ता, वो इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। फिलहाल यहाँ पर धीरे धीरे कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के। लगातार ये प्रदर्शन 11 बजे का कॉल किया गया, इसके बाद धीरे धीरे 12 बजे करीब शुरू होगा, और उसमें जो तमाम नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो यहाँ कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। मेरे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं, बात करते हैं क्या है विरोध प्रदर्शन, क्यों आप लोगों को आक्रोश है। देखिए, कल जिस तरीके से राजस्थान की सरकार ने और यहाँ की पुलिस ने राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता आदरणीय किरोड़ीलाल जी मीणा के साथ में जिस तरीके से जो घटना की है वो निंदनीय है। वो एक शहीदों के परिवार के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। मैं समझता हूँ कि इससे निंदनीय कोई घटना नहीं हो सकती। पूरे राजस्थान भर में इसका रोष है। कल जगह जगह पुतले जलाए गए, कल जगह जगह जाम किया गया, और आज हजारों की तादाद में कार्यकर्ता आ रहे हैं। हमें सूचना मिली है जगह जगह इन्होंने बैरिकेडिंग लगाई है, बस्सी में इन्होंने बड़ी बैरिकेडिंग लगाई है और कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया है। लेकिन मैं कांग्रेस की सरकार के मुखिया और पुलिस के प्रशासन को कहना चाहता हूं कि जितना दमो दम लगा लें, या जनता आएगी और डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा के जिस तरीके से अपमान किया है उसका बदला लेगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, जनता उमड़ेगी। आप देखना, आज जयपुर जाम होगा और 36 कौम के लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। बिल्कुल आक्रोश आप देख सकते हैं, साफ आक्रोश है इन कार्यकर्ताओं में। क्या कहना है, क्योंकि सांसद किरोड़ीलाल मीणा के साथ दुर्व्यवहार किया गया। जी, जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है, हर वर्ग हर समाज के लिए हमेशा मुद्दा उठाते रहते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं, पीड़ितों को न्याय दिलाते हैं। जैसे रीट का मामला इतने दिनों तक मुद्दा चला, ये वीरांगना, शहीद की पत्नी वीरांगना इतने दिनों से धरना दे रही थी, उसको कुचला गया है। गहलोत सरकार अपने पुलिस बल के दम पे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और वीरांगनाओं को उठा के आंदोलन को दबाया गया है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है ये बहुत गलत हुआ है। आम गाँव में भी आक्रोश है, सभी जगह आक्रोश है। एक जननायक के साथ ऐसा व्यवहार करना, ये गहलोत सरकार के बिल्कुल, ये जैसे कोई गुंडा राज होता है, एक गुंडा माफिया होता है, उन्होंने गहलोत सरकार ने ये गलत किया है। सभी के दुख है और मीडिया कर्मियों ने भी अच्छा दिखा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि आक्रोश है इन लोगों में। लगातार ये कह रहे हैं कि सांसद किरोड़ीलाल मीणा हमेशा कुछ दलितों, कुचलों, जो दबे हुए लोग हैं उनकी आवाज़ उठाते रहते हैं, और इस आवाज़ के बीच में आज यहाँ जो उनके साथ व्यवहार हुआ उसको लेकर सब आक्रोशित हैं। क्या कहना आप? जिस तरह से इस कांग्रेस सरकार ने हमारे जननायक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के साथ जो शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे थे, उनको जो सांसद का जो प्रोटोकॉल होता है, पुलिस के द्वारा जो अत्याचार हुआ है, आज हम सबक सिखाने का काम करेंगे और राजस्थान की सरकार को हमेशा हमेशा विदा करने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और पूरी आज राजस्थान में सब जगह प्रदर्शन हो रहा है विरोध प्रकट के, वीरांगनाओं का, शहीदों की स्मारक, जो 10 दिन से बैठे थे वो अब शांतिपूर्ण तरीके से बैठे होते, उनके साथ इतना अत्याचार ये कभी सहन नहीं करेगा। राजस्थान की धरती इनको बताने का काम करेगी और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री से हम कह देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आज आपको हमेशा हमेशा के लिए विदा करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। बिल्कुल, बुजुर्ग कार्यकर्ता भी हैं वो यहाँ पर पहुंचे, आज धरना है बीजेपी की ओर से, प्रदर्शन है सांसद किरोड़ीलाल मीणा और रंजिता कोहली के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसको लेकर। उसके लिए मेरा प्रार्थना यह है कि जो वर्तमान सरकार है निकम्मी है और गुंडागर्दी में उतरी आई है, और जो शांतिपूर्वक जो कार्यक्रम जिस तरह महात्मा गांधी ने किया कार्यक्रम, उसे शांति से मांग कर रहे थे, वीरांगनाओं को उनका हक दिलाने की बात कर रहे थे, और उनको जोर जबरदस्ती करके मारपीट करके किसी को गाड़ी जेल में पटक दिया, किसी को गाड़ी में पटक दिया, उठा उठा और सांसद का कलर। बिल्कुल आक्रोश आप देख सकते हैं, साफ आक्रोश है। इनका कहना है कि जो किरोड़ीलाल मीणा है शांतिपूर्वक अपना आंदोलन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अचानक ऐसा क्या हुआ
कि पुलिस को ये कार्रवाई करनी पड़ी और इसको लेकर न केवल यहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता इकट्ठे हो रहे उनमें आक्रोश है बल्कि तमाम लोगों में आक्रोश है। कल से लगातार जगह जगह धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जाम लगाए जा रहे हैं, समर्थक में काफ़ी गुस्सा है, उबाल है और इसी को लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर एक बात बता दें कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा की तबीयत में सुधार है, आज संभवतः उन्हें छुट्टी दे दी जाए, ये अभी डॉक्टर्स उनके चेकअप करने के बाद बताएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ धीरे धीरे लोग जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के वो इकट्ठे होना शुरू हो रहे हैं और लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि ये जो आक्रोश का है वो क्या असर डालता है सरकार पर, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दूसरी ओर राजस्थान पुलिस की ओर से भी यहाँ पर व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं, जहाँ इनॉक्स सिनेमा है उसके आसपास पूरी बैरिकेडिंग की गई है, पांच स्तरीय जो लेयर है वो बैरिकेडिंग की सुरक्षा की लेयर बनाई गई है, उसमें पांच स्तरीय बैरिकेडिंग की गई है और उसके बाद दमकल के साथ यहाँ पर वाटर कैनन और जो एसटीएफ है वो को जाप्ता वहाँ तैनात किया गया है, भारी संख्या में पुलिस बल वहाँ तैनात है और इसके अलावा यहाँ धीरे धीरे जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल जो तय समय है वो 11 बजे का है तो ऐसे में कार्यकर्ता कम है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार यहाँ आते जा रहे हैं। अब प्रदर्शन का समय जो जो नज़दीक आएगा ज़्यादा कार्यकर्ताओं की संख्या आपको दिखाई देगी। जी क्योंकि विष्णु आपने रिएक्शन सुना था जब कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया था वीरांगनाओं की मांगों को लेकर कि भाई ये राजनीति हो रही है, अब मीणा के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है इसको लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या ये भी राजनीति है? और दूसरी बात ये कि विधानसभा चुनाव से पहले एक तरफ मुद्दा था वीरांगनाओं की मांगों का, दूसरी तरफ लगे हाथों बीजेपी को एक और मुद्दा मिल गया मीणा के साथ दुर्व्यवहार के मामले का। बिल्कुल ये सही है क्योंकि जनप्रतिनिधि चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो उसके साथ दुर्व्यवहार कहीं जायज नहीं है, क्योंकि हालांकि कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया अभी फिलहाल नहीं आई है, लेकिन ये सही है जनप्रतिनिधि कोई भी हो उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए और इसको लेकर सरकार भी कई बार गाइडलाइन जारी कर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ जो पुलिस की ओर से दुर्व्यवहार किया गया है वो देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार न केवल सांसद किरोड़ी लाल मीणा के साथ दुर्व्यवहार हुआ बल्कि भरतपुर में सांसद रंजिता कोहली के साथ भी वहां पुलिस ने दुर्व्यवहार किया था, जब वो वीरांगना सुंदरी को हॉस्पिटल से घर ले जाने के लिए आई थी, क्योंकि वीरांगना जो सुंदरी है वो लगातार कह रही थी उनकी तबीयत खराब नहीं है, वो अपने बच्चों और घर के जाना चाहती है, लेकिन पुलिस ने उन्हें स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जबरन रोक रखा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के साथ जो ये दुर्व्यवहार हो रहा है पुलिस की ओर से, या तो ऊपरी स्तर से उनको आदेश निर्देश होता है या फिर वो अगर दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो इसको कहीं ना कहीं जो सरकारी गाइडलाइन है उसका भी उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों जब सरकार आई थी तो उसके कुछ समय बाद जब शिकायतें मिलने लगी थी तो खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ये कहा गया था कि जनप्रतिनिधियों का साथ दुर्व्यवहार है पुलिस का या प्रशासनिक अधिकारियों का, वो सहन करने योग्य नहीं होगा और उसके लिए बाकायदा एक प्रोटोकॉल गाइडलाइन जारी की थी, उसका पालन करने के लिए सबको कहा था, लेकिन जो कल घटनाक्रम हुआ उसमें कहीं नहीं लगता कि उस गाइडलाइन का पालन किया गया, क्योंकि जिस तरह से सांसद किरोड़ी लाल मीणा को खींचा गया उनके कपड़े तक फट गए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस निर्देशों का भी उल्लंघन है। अब देखने वाली बात होगी कि जो पुलिस की जो कार्रवाई थी कि आला निर्देश के बाद की गई थी या फिर पुलिस ने अपनी मर्जी से ये सब कुछ किया था, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो धीरे धीरे यहाँ जुटना शुरू हो गए हैं, लगातार जो समर्थक हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, सांसद किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक भी यहाँ पहुँच रहे हैं, धीरे धीरे लगातार कार्यकर्ताओं का जमावड़ा शुरू हो गया है। अब ये कितने लोग कितनी संख्या में तादाद में यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँच पाएंगे इसकी देखने वाली बात होगी, लेकिन लगातार यहाँ समर्थक और बीजेपी के कार्यकर्ता दोनों ही यहाँ पहुँच रहे हैं और अब दूसरी ओर सरकार की ओर से भी यहाँ पर व्यापक पुलिस की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है, सुरक्षा का जाप्ता लगाया गया बड़ी संख्या में, हालांकि वहाँ कॉल किया मानिए कि कूच करेंगे लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस की ओर से जाप्ता लगाया गया है। वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंच पूरी तरह तैयार किया गया है बीजेपी की ओर से, यहाँ पर बीजेपी के जो नेता हैं वो यहाँ पर भाषण देंगे, लगातार कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे कि जिस तरह से जनप्रतिनिधियों के साथ आक्रोश हुआ उस बारे में यहाँ पर बताएंगे। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों जोड़ के जो मंच तैयार किया गया है यहाँ नेता बैठेंगे और सामने कारपेट बिछाई गई है वहाँ कार्यकर्ता यहाँ पर बैठेंगे, लगातार धीरे धीरे कार्यकर्ता यहाँ बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों। ठीक है विष्णु, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, आगे के अपडेट भी हम आपसे लेते रहेंगे, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका विष्णु शर्मा, तस्वीरें और जानकारी साझा करने के लिए।